मनमोहन सिंह हर साल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, 9.5-10 साल खत्म होने पे आ गई, मोदी जी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस याद है आपको करी उन्होंने? वध करने वाले वो चिराग पासवान के पिताजी जो हैं वो रामविलास पासवान, उनका कत्ल उन्होंने करवाया है। मेरा अडानी अम्बानी का नाम सुना है आपने, कम से कम 50-60 लाख करोड़ रुपए उनके अंडर राइट ऑफ करके जब मोदी रिटायरमेंट लेंगे वो आराम से ऐस की जिंदगी जिएंगे। उनको रवीश कुमार को आधा घंटा इंटरव्यू दे दे, मैं मोदी को वोट डालूंगा। महिला सुरक्षित है, पता है भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी रेप करते हैं महिलाओं के साथ, क्या क्या हुआ? उन वीर शहादतों के नाम पर वोट मांगता, पहला बेशरम प्रधानमंत्री देखा। मैं 2014 से पहले नंगा घूमता था, मैं नंगा घूमता था भैया, मैं नंगा घूमता था। आपने गप्पू का नाम सुना है कभी? आपने कभी आलू से सोना बनाएंगे? संसद भवन में कोई आंख मारता है क्या? पूरा नाटक है, पूरा ड्रामा है, ड्रामा है। मैं छूने के काम देश को बचाना है, मोदी हटाओ देश को बचाओ। मोदी जी है ना इंडिया का तो नेता है ही, इंटरनेशनल नेता बन चुका है। युवा की बात हमेशा मोदी जी करते हैं, युवा हमारे साथ है, युवा के लिए हमने ये कर दिया वो कर दिया, विपक्ष कह रहे कि बेड़ा गर्क कर दिया। आप क्या सोचते हैं मोदी जी ने जो बोल के आया था वो किया? इस देश को खत्म करने का काम अगर किसी ने कराया है तो नरेंद्र मोदी ने करा। इस देश के संविधान को खत्म करने का भाव भीमराव अम्बेडकर के संविधान को खत्म करने का काम करा है नरेंद्र मोदी ने करा। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी जी ने बोला कि 140 करोड़ लोग इनके भाई बहन है, इनका परिवार है। बिल्किस बानो इनका परिवार नहीं थी, उनके उसके बलात्कारियों को ये सम्मान कराते हैं। जो पहलवान प्रोटेस्ट कर रही थी जंतर मंतर पे, उनको लाठियों से पिटवाया गया दिल्ली पुलिस के द्वारा। वो पहलवान हमारे उनके परिवार का हिस्सा नहीं थे। किसान जो आज धरना प्रदर्शन कर रहा है, उनको उनके गैस के आंसू छोड़े जा रहे हैं। आतंकवादी जैसे बसलूक करा जा रहा है, वो उनका परिवार नहीं है। केवल मोदी जी को परिवार कौन सा दिखता है? अमित शाह का लड़का जैसा BCCI का अध्यक्ष बना हुआ है, राजनाथ सिंह का लड़का कौन है? MLA नोएडा से, ठीक है, मैं वही बोल रहा हूँ आपसे। अनुराग ठाकुर को ले लीजिए आप, वो किन के लड़के हैं? कोई बात नहीं, मोदी जी तो कहते हैं ना कि हम गरीबी देखी नहीं, हमने सिर्फ हमने जी भी है गरीबी, हमने गरीब के साथ है हम। 18-18 अडानी अम्बानी का नाम सुना है आपने, कम से कम 50-60 लाख करोड़ रुपए उनके अंडर राइट ऑफ करके जब मोदी रिटायरमेंट लेंगे वो आराम से ऐस की जिंदगी जिएंगे। उनको मतलब नहीं है जनता से भाई, उनको गद्दी चाहिए, उनको कुर्सी चाहिए। 18 घंटे आपने कभी देखा है क्या? वो गोदी मीडिया का जो गोदी मीडिया का जिसने चुना गया है, उसके उस पर जिन मत जाइए। 18 घंटे काम कर, 2 घंटे काम करके दिखा दे। 18 घंटे छोड़िए आप, आधा घंटा रवीश कुमार को इंटरव्यू करके दिखा दे। रवीश कुमार को आधा घंटा इंटरव्यू दे दे, मैं मोदी को वोट डालूंगा। वो भाजपा वाले कह रहे हैं, कांग्रेसी पत्रकार है, विपक्षी पत्रकार। अरे यार मैं कह रहा हूँ आप किसी, मैं एक मैं रवीश कुमार के कांग्रेसी है क्या? हाँ तो मान लीजिए एक पत्रकार, असली पत्रकार जो जमीनी हकीकत उठाता है, वो पूरे गोदी मीडिया, पूरे नरेंद्र मोदी पूरी ताकतों से लड़ रहा है। तो मोदी जी का जो सपोर्ट करे वो गोदी मीडिया हो गया। बात बताइए, मोदी जी का जो विरोध करे वही। मनमोहन सिंह हर साल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, 9.5-10 साल खत्म होने पे आ गई, मोदी जी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस याद है आपको करी उन्होंने? सामने आके जो जनता है उनके जवाब तो दो, मीडिया का जवाब तो दो। व्यस्त है ना, जनता के लिए काम कर रहे हैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में। MLA खरीदने में व्यस्त है, MP खरीदने में व्यस्त है, सरकारें तोड़ने में व्यस्त है। महाराष्ट्र की सरकार तोड़ दी, महाराष्ट्र की सरकार तोड़ी नहीं तोड़ी, बिहार की सरकार तोड़ दी, पलटू चाचा को ले लिया अपने साथ। पलटू चाचा नीतीश कुमार नहीं है, पलटू चाचा नरेंद्र मोदी है। क्या अब हम नीतीश कुमार को नहीं लेंगे कभी? मोदी का विजन ही इतना बढ़िया है कि सब आ जा रहे मोदी जी के साथ। अरे मोदी जी का विजन एक ही है, मोदी जी की गारंटी है। मोदी गारंटी का देते हैं कि अगर कोई भ्रष्टाचारी करेगा तो उसको EDCBI भेज देंगे। अगर करो भ्रष्टाचार, मोदी जी को भ्रष्टाचार से कोई दिक्कत नहीं, मेरी पार्टी में आके करो आप, इतना करना है। राइटली भाई साहब ने जो कहा बहुत डेफिनेटली लगता, मोदी जी कुछ भी अच्छा काम नहीं कर रहे। मोदी जी क्या काम कर रहे हैं? अन्नदाता को किसान बोलते हैं, उनके लीडरशिप में बैठे सर्वोसर्वा पदाधिकारी मोदी जी उनके खिलाफ अगेंस्ट में एक प्रेस नोट जारी नहीं कर सकते? अच्छा सुनिए, एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि अन्नदाता को प्रोटेस्ट करते उसको मतलब आंसू गैस छोड़ दिया जाता, ये किया जाता, प्रोटेस्ट करने नहीं दिया जाता। तो मोदी जी चैन से इतना बढ़िया जो काम कर रहे हो, कह रहे विश्व गुरु बना दिया हमने, 18-18 घंटा काम करके डंका बजा दिया, उसको काम को बाधा डाल रहे, इसलिए हमें सब। पहला प्रधानमंत्री देखा जो देश के 44 शहीदों के नाम पर वोट मांगते हैं भाई, जो भी पुलवामा में जो भी हमला हुआ उन वीर शहादतों के नाम पर वोट मांगता, पहला बेशरम प्रधानमंत्री देखा। पहला प्रधानमंत्री देखा हमने 2014 के बाद, जो हमारी जो धरातल पे जो जुमला फेंकता है ये आदमी, जो जुमला फेंकता है उस जुमले की तो कोई वो पारी नहीं है।
इसलिए कहते हैं कि हमने बहुत काम किया, महिला सुरक्षित है, आपको लगता है ऐसा? कैसे सुरक्षित? महिलाओं को बनाया इसीलिए कि पटाने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए। वो समझते हैं कि महिला जो है फैमिली में क्या कहते हैं उनके मुख्य भाग है, उनके जिम्मेदारी है करके, तो पहले पहले उन्होंने पटा लिया है। कहने का मतलब क्या कहते हैं, विमेन एंटरप्रेन्योर ऐसा करा के क्या कहते हैं, पहले पहले उनको उनको पूरा बिजनेस देंगे। ये वो बताइए बताइए, मोदी जी को 24 में आना चाहिए या नहीं? नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। मोदी जी कह रहे मोदी की बार 400 पार, कुछ भी नहीं पार, कुछ भी नहीं पार, हारेंगे। बीजेपी हारना है, बीजेपी को हराएंगे, बीजेपी को हराएंगे। कह रहे आपकी बार 400 पार और मोदी जी के टक्कर में कोई है ही नहीं, 56 नहीं है। पांच डेमोक्रेसी का असली मतलब पता चला है, मोदी कहते भाजपा वाले। अरे कौन बोलते हैं, अरे वध करने वाले वो चिराग पासवान के पिताजी जो हैं वो रामविलास पासवान, उनका कत्ल उन्हें करवाया है मेरा दुश्मन को जचलाने वाला, कि मेरे मुझे उनका सेक्रेटरी भेजा था। आपकी तरफ आएंगे, क्या लगता है भाई युवाओं के लिए मोदी जी ने कुछ भी ऐसा काम नहीं किया? युवाओं के लिए अगर काम किया होता, डबल इंजन की सरकार है योगी आदित्यनाथ जी की, वहाँ डिप्टी सीएम मनीष केशव प्रसाद मौर्य जी के यहाँ यूपी पुलिस की प्रिपरेशन करने वाले और यूपी पुलिस के लिए तैयारी करने वाले युवा वहाँ जाके उनके घर प्रोटेस्ट करते हैं कि पेपर लीक क्यों हो गया, उसे जल्दी से कंडक्ट कराओ। योगी आदित्य सरकार, योगी आदित्यनाथ जी एक स्टेटमेंट जारी करते हैं 6 महीने बाद कंडक्ट कराया जाएगा पेपर। 6 महीने कंडक्ट क्यों कराया जाएगा, उसका रीजन क्या है? 6 महीने बाद क्यों कराएंगे? ये वोटों का फायदा उठाना चाहते हैं। 60 लाख के अबव एप्लीकेंट थे उस उन पोस्टों के लिए, कांस्टेबल की पोस्ट है 60,244 पोस्ट है यूपी पुलिस में, उसके लिए 60,000 से आप कैलकुलेट कर लीजिए, 60,244 से एक घर में कम से कम 5-6 वोट होंगे, तो 6,36,3,3,60,00,000 वोटों का फायदा लेना चाहते हैं। ये स्टेटमेंट इनका एक्स स्टेटमेंट नहीं सुना आपने? आप ये बताइए, एक्स स्टेटमेंट नहीं सुना लीडरशिप का कि प्राइवेटाइजेशन होगा, प्राइवेटाइजेशन होगा? आर्मी का प्राइवेटाइजेशन कर ये आप फर्स्ट स्टेप नहीं देखते? इसको भी तो प्राइवेटाइजेशन का रूप ही कहेंगे। 15 साल की सर्विस 4 साल में कन्वर्ट कर दी, क्या चल रहा है देश के अंदर? अगर वो युवा जो आर्मी की तैयारी कर रहे थे, वो युवा और सड़क पे आके अपनी मांग करते हैं, जायज मांग, वो मांग जिसके लिए उन्होंने फिजिकल क्वालिफाई कर लिया, एंट्रेंस क्वालिफाई कर लिया, उनकी भर्ती रद्द कर दी जाती है आर्मी की, और वो जो अपने अधिकार की मांग करते हैं, तो बीजेपी के लीडरशिप स्टूडियो में बैठकर बड़े बड़े लीडरशिप सर्वो सर्वानीजर लीडरशिप वो कहते हैं कि आतंकवादी है, वो अपने देशद्रोही है, वो देशद्रोही है। किसान अन्नदाता, देश का अन्नदाता अनाज खोदकर आज मेट्रो कलकत्ता में चल गई, इनको ये नहीं पता। तो क्या मेट्रो मोदी जी ने चला दिया? और क्या, जब एक बात सुनिए, एक काम करना, रोटी भी मेट्रो को पका के खा लेना, ठीक है? मेट्रो को पका के खा, जब चलते रहे ना अभी कांग्रेस में जो कहते हैं टिकट भी है ना लैंड से लगते थे, डंका बजा दिया, आपको लगता है ऐसा कुछ? देश की बजा दी अगले ने, डंका क्यों नहीं बजा? 24 में फिर से आ रहे, बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल। ईवीएम की चोरी जिंदाबाद भैया। 15 साल मोदी, 15 साल योगी, भाड़ में जाए विरोधी। 15 साल योगी, 15 साल योगी। योगी आदित्यनाथ जी को सुपर सीएम का खिताब मिला पड़ा है ना, डबल इंजन की सरकार फेल हो गई, यूपी पुलिस का पेपर लीक करा दिया, एसएससी सेंटर की एजेंसी है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन उसका पेपर लीक हो गया, भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है, सी टेट का पेपर लीक हो जाता है, सीडीएस स्पेशल एंट्री का पेपर लीक हो जाता है, पटवारी का राजस्थान ये एमपी के अंदर पेपर लीक हो जाता है। ये चल क्या रहा है देश के अंदर, युवाओं के भविष्य से खिलवाड़? ये इससे डेफिनेटली श्योरली होता है, इससे क्लियरेंस ये डायरेक्शन मिलती है देश के युवा को कि देश के अंदर प्राइवेटाइजेशन होगा, इससे श्योरली डेफिनेटली होता है, इससे डायरेक्शन मिल गई ना कि पेपर कैंसिल हो रहे हैं, सेंटर में बीजेपी की सरकार है, इनके स्टेट के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बीरेन सिंह मुख्यमंत्री है, वहां से महिलाएं सुरक्षित नहीं है, देख रहे हो BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी किसी महिला से रेप करते हैं, और क्या है ये देश के अंदर, ये महिला सुरक्षित है? पता है भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी रेप करते हैं महिलाओं के साथ, क्या कर रहे हैं बीटेक, ये महिला बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, इनके मुंह से शोभा ही नहीं लगता। मोदी जी को एक प्रेस नोट जारी करना चाहिए, प्रेस पीसी करनी चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए,
कि देश के अंदर ये नारा देना बंद करे। इनके मुंह से शोभा ही नहीं देता क्योंकि यही ये इन्हीं के पदाधिकारी उन बच्चियों के साथ रेप करते हैं। क्या चल रहा है देश के अंदर? ये युवा जो है फिर कह रहे 15 साल मोदी 15 साल योगी को कह रहे ये तो इनको इनकी पर्सनल ओपिनियन होगी ना, इनकी मेंटलिटी हो गई है ऐसी। इनको अपने भविष्य से प्यार थोड़ी है, इनको अपने बच्चों के भविष्य से प्यार थोड़ी है, हिंदुत्व से प्यार है। देखिए देखिए प्यार नहीं है, क्या क्या कह रहे हैं, अपने देश से प्यार, भविष्य से प्यार नहीं है भाई, अपने राष्ट्र से प्यार है, हमें अपना राष्ट्र से प्यार है, हमें अपने देश से प्यार है। राष्ट्र से तो हमें भी प्यार है, राष्ट्र से तो हम ही प्यार है, राष्ट्र के अंदर सारे लोग है, सर्व जातीय के लोग रहते हैं, सभी से प्यार करना चाहिए ना। देश के अंदर ये देश संविधान से चलता है, ये देश बीजेपी लोग जो है जहर उगलते हैं हिंदू 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 करके लोगों के बीच, मतलब वो नेशन कहने का वो अधिकारी नहीं है, कह नहीं सकते उससे, जब सक्षम नहीं है 5 साल में, जब झारखंड महाराष्ट्र झारखंड ओडिशा आंध्र प्रदेश दिल्ली बिहार और ये पूरे सिक्योरिटी सब में इलेक्शन नहीं करवा 5 साल तक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से, तो कर नहीं सकते 10 साल में सक्षम नहीं है, इलेक्शन करने सक्षम नहीं रह सकते। केंद्र सरकार के बेवकूफ बनाए लोगों को नहीं करना चाहिए, हम करेंगे। हम क्या लगता है कौन नेता आना चाहिए? गठबंधन आएगा इस देश के अंदर, ऑप्शन नहीं है क्या? मोदी जी तो कितने दिन सत्ता की है, इससे प्रधानमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का जो समर्थन करेगा वो प्रधानमंत्री बनेगा, जो संविधान को बचाने के लिए अरविंद केजरीवाल जी के कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा वो प्रधानमंत्री बनेगा। 7 दिन में 7 फटाफट आप ये बताइए जो बनेगा प्रधानमंत्री, वो तो भारत का बनने से रहा, वो बनेगा इटली का प्रधानमंत्री। तो क्या आप गप्पू को बनाएंगे जो गप छोड़ता है, जो 2 करोड़ नौकरी देने की बात कहते हैं, जो गारंटी देता है, पप्पू तो किसी का नाम हो सकता है, पप्पू तो किसी का नाम हो सकता है, लेकिन गप छोड़ने वाला गप्पू भारत में है यात्रा, सुना होगा आपने गप्पू का नाम सुना है कभी? देश चलाना आपने कभी? ऐसे क्यों लगता है इटली का भाई, वो तो भारत के है, भारत इटली का है, वो इटली का था उनके पापा ने, अरे अरे उनके बाप दादा ने सोने के चम्मच में खिलाते थे वो, अब वो सोने के डीएनए रिपोर्ट होगी इनके पास, उनकी डीएनए, इनके पास डीएनए को छोड़ना भाई, शायद इनके पास रिपोर्ट पेश कर दो मीडिया के सामने, आपके पास डीएनए रिपोर्ट होगी, वहाँ पे जाके ना पेश कर दो उनकी, आप वहाँ पे जाके डीएनए का रिपोर्ट कर दो। सवाल पूछूंगा आपके घर से कौन शहीद हुए हैं? राहुल गांधी के घर से उनके फादर शहीद हुए, उनके ये नारा फर्जी साबित होगा। अगर साबित हुआ तो चंडीगढ़ के अंदर मेयर का चुनाव हुआ, उसमें देख लिया कितना बार था चुनाव चंडीगढ़ के अंदर लोग, अब वो राहुल गांधी जो है ना वार्ड सदस्य भी नहीं बन पाएंगे, प्रधानमंत्री की तो बात छोड़िए, अब वो सरपंच का भी चुनाव लड़ेगा चंडीगढ़ के अंदर, सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटमेंट का तमाचा मार दिया, कौन सा लोकतंत्र उन्हें, अरे उन्हें क्या पता लोकतंत्र को, सुप्रीम कोर्ट उनको नहीं पता लोकतंत्र क्या है, उन्होंने स्टेटमेंट दी है चंडीगढ़ के अंदर मेयर चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने चोरी कराई है, लोकतंत्र की हत्या जाने वाला है राहुल गांधी, देश के अंदर कैसे चलेगा? कपिल शर्मा शो में जाने वाला है राहुल गांधी 24 के बाद, क्या कपिल शर्मा शो में जाएगा राहुल गांधी? तो इनके पास होगा ना शायद टिकट, आपने बुक कर लिया है क्या? आपके पास है उसका टिकट? कॉमेडी करेगा राहुल गांधी, आपके पास आज क्या कॉमेडी करता है वो? होता है क्या आलू से सोना बनाएंगे? देखिए ये शायद यही तो ब्रेन वॉश करने वाली बात है, यही देश के अंदर डायरेक्शन को चेंज करने वाली बात है, इनको ये नहीं पता ये आलू से सोने की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी जी पता है क्या कर रहे थे? राहुल गांधी जी भी इस देश के नागरिक हैं, ठीक है। मैं कहना चाहूंगा आप देखिए, आपने सुना होगा वो स्टेटमेंट किसका था, वो नरेंद्र मोदी जी का था स्टेटमेंट, और उसको जो है ना उसको उसकी नकल उतार रहे थे राहुल गांधी जी, कोई आंख मारता है क्या? यही तो इनको इंटेलिजेंस ही नहीं है, क्या बोल रहे हैं, इनको यही नहीं पता क्या बोल रहे हैं, कोई आंख मारता है क्या? मोदी जी का कौन क्वालिटी आपको अच्छा? पहले ये बात, संसद भवन में कोई आंख मारता है क्या? आप बोलिए मोदी जी का कौन सी क्वालिटी आपको अच्छा लगता है, जिसकी वजह से आप मोदी को ला रहे हैं? सारा क्वालिटी की चार बताइए, चार बता दीजिए। राम मंदिर पूछ रहा क्या? अच्छा, मतलब क्या राम मंदिर छोड़ दो, 370 छोड़ दो। हाँ मैं मेरे से पूछो यार, जा सड़क नहीं था वहाँ, सड़क गया, हर हर घर जल गया, अच्छा हर घर शौचालय यार, तो जो जो हर घर शौचालय, जो देश विदेश हमें थूकता नहीं था, क्या काम है आज पूछ रहे आप? लो जी
ये कोई पैर छूता है, छूता है भाई, पूरा डायरेक्शन है, पूरा नाटक है, पूरा नाटक है, पूरा ड्रामा है, ड्रामा है, पैर छूने के लिए, वो छूने के लिए छूने के, पूरे कपड़े पहना के घुमा रखा, क्या बात कर रहा, पूरे अधिकारी लोगों ने क्या करते हैं मोदी जी, ड्रामा करते हैं, कह के करवा रखा है उसको, समझे ना, बोल रहे थे मोदी हटाओ देश को बचाओ, उसके अंदर बुद्धिमत्ता मोदी जी कड़ा है, इंटेलिजेंस रहा है, ये प्रूफ है, इसीलिए मोदी जी कड़ा है। अरे सर मोदी जी है ना इंडिया का तो नेता है ही, इंटरनेशनल नेता बन चुका है, इंटरनेशनल इंटरनेशनल, अगर इंटरनेशनल बन गए होते तो 244 सांसदों की ड्यूटी दिल्ली असेंबली में इलेक्शन में लगाकर हार नहीं जाते, एमसीडी के अंदर सुपर सुपर लीडर इनके, इन्होंने काम किया बीजेपी के लिए, उनकी कहानी ध्वस्त हो गई, उनकी साख ध्वस्त हो गई, इनको पता नहीं है लीडर कहां से बन गए, मेयर का चुनाव देखा उनके अंदर मुंह की खानी पड़ी।